लाइटों के बीच जगमगाता हुआ बड़ा खतरनाक लगता है लखनऊ जंक्शन। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ में ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है और सबसे पहले मेरे को लखनऊ का ये जो रेलवे स्टेशन है ना यही खूबसूरत लगा, तो सोचे आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट किया जाएगा। तो आज आपको लखनऊ का स्टेशन ही दिखाते हैं, मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे थे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइटों के बीच जगमगाता हुआ बड़ा खतरनाक लगता है लखनऊ जंक्शन, देख रहे हैं लग रहा है पूरा ये जयपुर का जो होता है ना डिज़ाइन बनाया गया, बहुत पुराना जंक्शन है और पहले एकदम महल जैसा ही लगता था। ये देख रहे हैं आप पूरा दर्शन कराते हैं आपको लखनऊ चार बाग जंक्शन का, मेन लखनऊ का जंक्शन है ये। तो मित्रों अभी मैं जा रहा हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन है ना यहाँ का वो सामने से लेके और आखिर तक मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगा आज। और आगे में ये जो मेन गेट है वहाँ से आपको एलिवेटर का भी व्यवस्था है, तो सामने से जो भी व्यक्ति आता है एलिवेटर से आप ऊपर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। और यहाँ पे खास बात ये है कि अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म भी है। एक और मैं वीडियो बनाया हूँ उसमें आप जाएंगे ना तो देखेंगे, तो उसमें अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं बताया हूँ कि अंदर अंदर ही आप प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप तो जाने का सीढ़ी द्वारा सुने होंगे लेकिन अंदर से भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं देखा हूँ और मैं गया भी हूँ और साथ साथ मैं आपको आगे से नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। और यहाँ से आगे जो चारबाग ये जो सामने में रोड गया ना इससे आप आगे से निकल सकते हैं और सीधे रास्ता आपको जाके आगे वो मिल जाता है, उधर से आप अलग अलग रास्ता जाता है हुसैनगंज उससे हज़रतगंज गोमती नगर, मतलब बहुत सारा एरिया में जाता है रास्ता आगे से। और यहाँ पे जो होते हैं ना क्या बोलते हैं जिसे रेलवे के अधिकारी लोग उन लोग का भी आवास है आगे में, ये स्टेशन के आगे जाएंगे थोड़ा सा ना तो इसी लाइन में है, तो वहाँ पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ और मैं आपको पूरा स्टेशन को दिखा रहा हूँ। तो ये जो पीला वाला लाइट जलता है इसको जलने के बाद काफ़ी भव्य नज़ारा हो जाता है यहाँ का, जिसे देखने के बाद आपको भी मन प्रसन्न नजर आएगा, जैसे लगता है कि ये स्टेशन तो है ही नहीं, पूरा का पूरा एक महल के रूप में खड़ा कर दिया गया है। और इसी के जैसा कानपुर में भी बनाने का कोशिश किया गया था लेकिन कानपुर ऐसा बना नहीं, और जितना बड़ा ये स्टेशन है उतना बड़ा कानपुर का आगे से नहीं है, आगे से छोटा सा है कानपुर का, ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। वहाँ भी प्लेटफॉर्म सेम ही है लेकिन ये जो चारबाग जंक्शन है रेल लखनऊ का ये मेन जंक्शन है, इसको बड़ी लाइन बोला जाता है और अलग अलग जगहों से गाड़ी यहाँ से रूट डाइवर्ट होके चलता है और बहुत जगह गाड़ियाँ जाती हैं आती हैं। तो ये जो मेन जंक्शन है एक तरह से चारबाग, वैसे तो लखनऊ में बहुत सारे स्टेशन हैं जैसे ऐशबाग में है और एक गोमती नगर में है, बादशाह नगर है और भी बहुत सारे स्टेशन्स हैं, लेकिन ये जो स्टेशन है ना ये मेन जंक्शन है और यहीं से अलग अलग रूट गया है और देश का बिजीएस स्टेशनों में से एक है। पहले काफ़ी भीड़ रहता था यहाँ पे लेकिन अब तो कोरोना की वजह से आपको पता ही है बहुत सारा यात्रियों का आवागमन कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी भीड़ रहता है, नहीं तो पहले इतना भीड़ रहता था पूछिए मत, लगता था जैसे पैर आप रख नहीं सकते, इतना भीड़ हो जाता था कभी कभी। तो मैं खुद आया हूँ तो मैं देखा हूँ एक बार तो पैर रखने का जगह नहीं मिला था मेरे को। यहाँ से देखिए अलग अलग जब लाइट चेंज होता है ना तो इसका अलग अलग आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सफाई वफाई काम हो रहा है, झाड़ू लग रहा है और रोड भी आगे का काफ़ी चौड़ा है और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रीपेड टैक्सी भी आपको मौजूद है मिल जाएंगे, पार्किंग का भी व्यवस्था है जो आगे में लगा हुआ है। और इसके साथ साथ आप ये जो रास्ता सीधे से पीछा और जाने का भी रास्ता है यहाँ से, तो सिमिलर टाइप का है, काफ़ी बड़ा में स्टेशन है। और जब आप देख रहे हैं जब ये लाइट जल रहा है ना तो हर लाइट के साथ साथ एक अलग नज़ारा दिखने को मिल रहा है। और सामने से हम लोग जा रहे हैं जो स्टेशन है ना वहाँ से एक छोटी लाइन भी है,
देखिए ये चारबाग NAR है, वो चारबाग NER है, वहाँ से भी बहुत सारा ट्रेन जो है ना खुल के जाता है, लेकिन वो वहाँ से अलग अलग रूट्स नहीं है, वहाँ से देश के भी अलग अलग कोने में ट्रेन जाते हैं, लेकिन जो मेन है ना ये है, वहाँ से भी ऐसा बात नहीं है कि गाड़ी नहीं जाता है, जाता है, लेकिन जहाँ बात की जो मेन जंक्शन को, तो ये दोनों पास में ही है, वो जो सामने लाइट दिख रहा है ना वहाँ भी मैं चलूँगा, लेकिन ये जो है ये काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी बड़ा स्टेशन है, वहाँ से लेके यहाँ तक, और ये देखिए क्या कारीगरी में इसको बनाया गया है, ऐसे ही नहीं नवाबों का शहर है लखनऊ, और इसीलिए नहीं बोला जाता है नवाबों का शहर है लखनऊ, और पहले यहाँ पे नवाब रहते थे, उससे पहले लखनऊ का इतिहास थोड़ा सा अगर बताएं आपको, तो इससे पहले राम जी के भाई जो लक्ष्मण जी थे, वो राम जी ने उनको यह दिया था लखनऊ शहर को चलाने के लिए, फिर इसका नाम पहले लक्ष्मणपुरी था, फिर लक्ष्मणपुरी से लखनपुर हुआ शायद, उसके बाद फिर लखनऊ हुआ, तो काफ़ी चेंजिंग होते रहा, उसके बाद फिर जब नवाब वबाब लोग रहते थे पहले, तो अलग अलग तरीक़ा के पुरानी लखनऊ में भी अलग अलग प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ का भी वीडियो आएगा, ज़रूर आएगा, और यहाँ से आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं बैठने के लिए बना हुआ है यात्रियों के लिए, बड़ा स्टेशन है भाई, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, और यहाँ से सामने में आपको जाएंगे तो ये वेटिंग एरिया है, तो हॉल जैसा बना है, और सामने में ये बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड लगा है जिस पे अलग अलग प्रकार के गाड़ियों का आवागमन, कब प्रस्थान और कब यहाँ से खुलता है, कब आता है, सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, टाइमिंग से लेके गाड़ी नंबर से लेके सब कुछ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ट्रेनों का नंबर के साथ कब आएंगे, क्या होगा, टाइमिंग वमिंग सब लिखा रहता है, और देखिए यहाँ पे एक मेरे को अजीब लगा, देखिए ये पंखा कितना बड़ा है यार, गजब का पंखा है इतना बड़ा सा, और ये देखिए कारीगरी जो किया गया है ना, ये भी एकदम अंदर में भी काफ़ी खतरनाक बना है, देख रहे ऊपर से लेके नीचे तक का डिज़ाइन काफ़ी मस्त लगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं साफ़ सफाई का भी काफ़ी बढ़िया ध्यान दिया गया है, साफ़ सफाई हमेशा होता रहता है, 2 बजे 3 बजे रात में भी आएंगे तो कम, मैं बहुत बार आया हूँ तो देखा हूँ, पोछा ओछा लगते रहता है हमेशा, और ये है लखनऊ पूर्वोत्तर से ऊपर आगमामा जाने का रास्ता है, तो ये सामने में जो दिख रहा है ना ये छोटी लाइन है, तो यहाँ भी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ जाके, सामने में जो आपको दिख रहा है ना ये छोटी लाइन है, और इसको छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है, बहुत सारा गाड़ी यहाँ से खुलता है, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि जो अलग अलग इधर रूट में जो गाड़ी जाता है ना यहाँ से बन के खुलता है गाड़ी, और यहाँ के आगे ही आपको ये मेट्रो स्टेशन भी है, तो आप फटाक से मेट्रो से भी जहाँ भी शहर के आने के भाग में जाना चाहते हैं आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑटो, प्रीपेड ऑटो, ओला, टैक्सी, उबर, यहाँ तक कि प्रीपेड ऑटो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ मेट्रो भी है तो बगल में ही है, थोड़ी ही दूर पर मेट्रो भी है, और ये छोटी लाइन से है मेन, मतलब ये जो आधुनिक रूप से जो बनाया गया ना ये अभी नया बनाया गया है, लेकिन सिग्नल उसके जैसा तो बन नहीं पाया भाई, लेकिन वो जो आपको मैं अभी दिखाया वो काफ़ी ख़तरनाक देखने में भी लग रहा है, ये सामने में मेट्रो स्टेशन है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं मेट्रो से, अगर शहर के अनेक प्रकार इलाके में जाना है तो आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट भी यहाँ से जा सकते हैं, ये मंदिर है सामने में, और जस्ट आप आएंगे ना तो उसके सामने ही चारबाग स्टेशन से थोड़ा सा दाएं तरफ से आगे आएंगे छोटी लाइन की तरफ, उसके बाद ही ये मंदिर है, और ये सामने में काफ़ी बढ़िया मंदिर है, और माता जी का है मंदिर, और इसके साथ साथ यहाँ पे अभी आरती हो रहा है, तो काफ़ी सही समय पे आ गए शाम का, आरती भी देख लीजिए, राधा कृष्ण भगवान जी का मूर्ति का प्रतिमा यहाँ पे देखिए, गद्दा शंख और साथ में हनुमान जी का लगाया गया है ऊपर में,
रक्षा करते हुए। तो मित्रों अब हम लोग ऊपर वाले पुल जो रास्ता है वो जाने का, वहाँ से अब हम लोग चलते हैं। तो इधर से सीढ़ियों के द्वारा आप प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं, और अगर पीछे स्टेशन के जाना है तो आपको इसी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। ये सिंगल ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, रोड बगल आप जा सकते हैं, दूसरा रास्ता अगर पैदल आ रहे हैं तो स्टेशन से पार जाना है तो यही रास्ता है। सीधे आप चलते जाएंगे तो आप चल जाएंगे बाहर, जो पीछे वाले रास्ते हैं वहाँ निकल जाएंगे स्टेशन के पीछे, और रेलवे कॉलोनी भी है उधर। और अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो ये जो सामने जाली जाली लगाया हुआ है ना, इसके आप बगल में जाएंगे तो सीधे आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म पे आपको जाने का मन है, या फिर जहाँ भी आपका गाड़ी आ रहा है आप जा सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म से निकल जाएंगे। ये सामने में एक जाली खुला होगा उधर साइड, वहाँ से आप जा सकते हैं। ये जो सामने हम जा रहे हैं ये रास्ता आपको सीधे बाहर की ओर लेके चल जाएगा, और आप आराम से निकल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए झाड़ू लग रहा है, साफ़ सफाई बढ़िया है, रहना भी चाहिए, अच्छा लगता है देख के साफ सफाई जहाँ रहता है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने सारा ट्रेन खड़ा होगा यहाँ पे, बहुत सारे पैसेंजर आते जाते रहते हैं। अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा कम है, नहीं तो इतना भीड़ रहता था ना पहले, पूछिए मत। और यहाँ से सामने जो आपको लाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे डिब्बों का, जो रेलवे इंजन का बहुत सारा कारखाना है, डिब्बों का कारखाना है, अलग अलग चीज़ें, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। तो आगे में जो मैं आपको दिखाया, और ये जो सामने में ब्लैक बोर्ड, सॉरी बोर्ड दिख रहा है ना LCD, इस पर आपको ट्रेन का आवागमन दिखेगा। और सामने से आप ये सीधे जो रास्ता जा रहा है, आप चलते जाएंगे तो ये सामने से पीछे रास्ता आपको निकल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों लखनऊ जंक्शन का संपूर्ण वीडियो बन चुका है, और आने वाले समय में बहुत सारे यहाँ का मार्केट और चारबाग मार्केट भी जाने वाले थे, लेकिन अभी नहीं गए, जल्दी जाएंगे। और उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी लखनऊ में बहुत सारे जगह हैं, वहाँ भी जाने वाला हूँ, और जो लखनऊ से है वो भी मेरे को बताए कहाँ जाना चाहिए और कहाँ बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और देखते रहिए मिश्रा जी ब्लॉग, और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, यहाँ का स्लोगन है फेमस।